झड़िया के सुदामडी थाना क्षेत्र के लोको बाजार ईदगाह मोहल्ला में काली पूजा की मूर्ति विसर्जन के दौरान धार्मिक नारेबाजी को लेकर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई एवं तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुदामडी थाना परिसर में शुक्रवार को दोनों समुदाय के गणमान्य लोगों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता झड़िया सीओ परमेश कुशवाहा ने की। बैठक में दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों से किसी भी धार्मिक पर्व के अवसर पर पूजा समिति बनाने में दोनों समुदायों के 15 से 20 लोगों की शामिल करने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला प्रशासन की गाइडलाइन के तहत जुलूस निकालकर आने जाने के लिए निर्धारित रूट पर जाने का निर्देश दिया गया, जिस पर दोनों समुदाय को छठ पूजा के कारण आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए 6 नवंबर को अगली बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेने पर सहमति बनी। बता दें कि पाथरडी लोको बाजार स्थित कृष्णा मंदिर के मां काली पूजा की मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था। जुलूस लोको बाजार से ईदगाह मोहल्ला होकर आगे बढ़ रहा था, तभी किसी ने धार्मिक नारेबाजी कर दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और इमामबाड़ा की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाठी डंडे भी खूब बरसे, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। दोनों समाज के द्वारा सकारात्मक माहौल में अच्छी से बैठक हुई है और हम लोग बोले कि आपस में हम लोग बैठ करके चर्चा करेंगे कि हम लोग आने वाले त्यौहार पर्व त्यौहार है उसको किस तरह से मनाएं और जो समाज में जो भी गलत मानसिकता वाले लोग हैं उसको हम लोग अपने स्तर से दंडित करने का प्रयास करेंगे और उसको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन को सौंपेंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो और समाज में अच्छा माहौल रहे, जिस तरह से हम लोग पहले से अच्छा से रह रहे थे उस तरह का माहौल रहे। इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग अपना एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना करके बैठक करेंगे और आपस में मिलजुल करके आप पर्व त्यौहार को मनाएंगे शांतिपूर्ण। देखिए, लास्ट टाइम कुछ माहौल कुछ गड़बड़ा गया था, उसको लेकर आज दोनों समुदाय के लोगों को थाना परिसर में सीओ साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सबकी सहमति से निर्णय लिया गया कि जो भी इस तरह की बदमाशी करते हैं उन बदमाशों को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, दोनों पक्षों के लोगों के द्वारा पुलिस को बताया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे सर पेट्रोलिंग का जो व्यवस्था लोग कर रहे हैं, कुछ लोग असामाजिक तत्व तो हर जगह खड़े रहते हैं बैठे रहते हैं, वैसे लोग पर क्या करेंगे सर? उन असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, व्हाट्सएप और ये जो आप बोले कि किस तारीख को बैठक होगी? 6 तारीख को दोनों समुदाय को बैठक रखा गया है, जिसमें अभी हम लोगों के द्वारा यहाँ पे पीस कमेटी की मीटिंग सुदामडी थाने पे की गई है, जिसमें ये कौन ईदगाह मोहल्ला के दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर हम लोग आए थे और कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मैसेज पास किए जा रहे हैं जिससे दोनों पक्ष के लोगों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दूसरे जगह पर रहने वाले लोगों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो सभी से हम अपील करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी ऐसे मैसेज पे को फॉरवर्ड न करें और ऐसे मैसेज को ना ध्यान नहीं दें जिससे कि समाज में किसी तरह की व्यवस्था की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो और मतलब कि मान लीजिए और इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया जाए, है ना, और इस पर सब लोग अपना ध्यान रखें।